हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि दुनिया भर में काफी तेजी से पॉपुलर हो रही है, माइवान टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आज की ये वीडियो इसी के अराउंड रहेगी। इस वीडियो में मैं माइवान टेक्नोलॉजी के फायदे डिस्कस करने वाली हूँ, नुकसान डिस्कस करने वाली हूँ, साथ ही साथ इसे ट्रेडिशनली ब्रिक कंस्ट्रक्शन के साथ कंपेयर भी करूंगी। एंड इन द एंड मैं एक कंक्लूजन दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि क्या वाकई में माइवान टेक्नोलॉजी अच्छी है या नहीं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। नंबर वन, स्पीडी कंस्ट्रक्शन। माइवान टेक्नोलॉजी से बनावट का काम काफी तेजी से होता है, स्पेशली इन कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन। इससे प्रोजेक्ट को बनने में समय भी काफी कम लगता है। नंबर टू, क्वालिटी कंट्रोल। हर एक यूनिट माइवान टेक्नोलॉजी के अंडर फैक्ट्री लाइक कंडीशन में बनता है, जिससे क्वालिटी कंट्रोल काफी बेहतर होता है। नंबर थ्री, कॉस्ट इफेक्टिव। माइवान टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम होता है और लेबर कॉस्ट भी काफी कम होती है। नंबर फोर, लो मेंटेनेंस। माइवान टेक्नोलॉजी से बनाई गई बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन से कम होता है क्योंकि उनमें कम क्रैक्स और सीपेज होती है। नंबर फाइव, इको फ्रेंडली। इस टेक्नोलॉजी में यूज होने वाला मटेरियल अधिकतर रिसाइक्लेबल होता है, जिससे ये इको फ्रेंडली होती है। नंबर सिक्स, एनर्जी एफिशिएंसी। माइवान टेक्नोलॉजी से बनाई गई बिल्डिंग्स का इंसुलेशन बेटर होता है, जिससे एनर्जी कंजप्शन कम होती है। एडवांटेजेस के बाद लेट्स आल्सो डिस्कस सम ऑफ इट्स डिसएडवांटेजेस। नंबर वन, इनिशियल कॉस्ट। माइवान टेक्नोलॉजी का इनिशियल सेटअप कॉस्ट ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन से थोड़ा ज्यादा होता है। नंबर टू, स्किल डिपेंडेंसी। इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, जो कि हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होते। नंबर थ्री, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। माइवान टेक्नोलॉजी का यूज उन प्रोजेक्ट में ज्यादा होता है जो रेपिटेटिव डिजाइन पर बेस्ड होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। नंबर फोर, साइट सूटेबिलिटी। माइवान टेक्नोलॉजी का यूज हर एरिया में पॉसिबल नहीं होता है, कुछ एरियाज में ये फीजिबल नहीं हो सकता। नंबर फाइव, टेक्नोलॉजी चेंजेस। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, जिससे माइवान टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना एट टाइम्स चैलेंजिंग हो सकता है। नंबर सिक्स, एस्थेटिक्स। सम मे आर्ग्यू दैट मॉडर्न एंड यूनिफॉर्म अपीयरेंस ऑफ माइवान बिल्ट स्ट्रक्चर्स लैक द ट्रेडिशनल चार्म and uniqueness found in brick construction. So guys, we now know both the sides of this technology, but is it really better than the traditional construction method? Kya sach mein Maiwan behtar hai? Well, Maiwan technology se construction ka samay kam lagta hai aur kharcha bhi kafi kam hota hai. Jabki traditional brick construction mein ye dono zyada hote hain. माइवान टेक्नोलॉजी से बनी बिल्डिंग्स में अधिक ताकत यानी कि मैन पावर की जरूरत होती है, जबकि ब्रिक्स की स्ट्रेंथ कम होती है। ब्रिक कंस्ट्रक्शन को लोग ट्रेडिशनल और एस्थेटिकली प्लीजिंग मानते हैं, लेकिन माइवान टेक्नोलॉजी से बनी बिल्डिंग्स मॉडर्न और स्लीक होती हैं। इन कंक्लूजन, माइवान टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल ब्रिक कंस्ट्रक्शन दोनों अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण है। माइवान टेक्नोलॉजी तेजी, एफिशिएंसी और लो मेंटेनेंस के लिए प्रशंसनीय है, जबकि ट्रेडिशनल ब्रिक कंस्ट्रक्शन एक आदान प्रदान से भरा है, जिसे लोग एस्थेटिकली प्लीजिंग और कस्टमाइजेबल मानते हैं। गाइस, माइवान टेक्नोलॉजी के अगर हम फायदे की बात करें तो वो यही है कि इसमें समय और आपका पैसा कम खर्च होता है, साथ ही साथ ये एक इको फ्रेंडली मूव भी है एंड एक इको फ्रेंडली अप्रोच है। बट उसके साथ साथ
मायवान कंस्ट्रक्शन में आपका इनिशियल जो कॉस्ट है वो ज्यादा होता है, साथ ही साथ स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, तो कुछ एरियाज में ये एक चैलेंज भी हो सकता है। गाइस दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस वीडियो। आज की इस वीडियो में आई होप मैंने आपको मायवान टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन गिव अस अ थम्स अप बाय लाइकिंग दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल Reality 360 Degree फॉर मोर सच वीडियोस, एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।